नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर चंद्रजीत, आपका अपना डॉक्टर चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम बताएंगे कि अपना जो पशु है यानी कि गाय है, भैंस है, उसको अचानक से बिच्छू काट लेती है, तो बिच्छू काटने के बाद पशु को क्या क्या परेशानी आती है और उसको कौन सा ट्रीटमेंट करना है, उसके बारे में आज हम डिटेल से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट में हम पशु संबंधित कोई भी वीडियो डालूं तो वह आप तक पहुंचे और सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए साथियों, बात करते हैं कि अगर बिच्छू काट ले तो पशु को क्या क्या परेशानी आ सकती है। तो सबसे पहले साथियों, अगर जिस पशु को बिच्छू काट लेती है उसको दर्द होने लगता है, पूरा शरीर में एक तरह का दर्द होने लगती है। उसके बाद पशु को हल्का फुल्का बुखार भी आ जाती है। साथ साथ किसान भाइयों, पशु को जो यह दर्द के वजह से बेचैनी भी रहती है। तो चलिए किसान भाइयों, बात करते हैं कि अगर बिच्छू काट लेती है और इस तरह का परेशानी अगर आपको पशु में दिखाई देते हैं तो कौन कौन सा दवा देना है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, अगर आप बिच्छू को काटते हुए देखे हैं तो आप जिस स्थान पर बिच्छू काटा है उस स्थान का जो डंक होता है, कांटा जिसको बोलते हैं, वह निकाल दीजिए। उसके बाद अब क्या क्या इंजेक्शन देना है वह हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला तो काम जो करना है, आपको एक एविल लगा देना है, जो कि किसी कंपनी का भी हो एविल, वह आपको लगा लेना है। जो कि अभी हम बता रहे हैं वह जीट कंपनी का एविल बता रहे हैं। आप जो है यह जो पनेसिया कंपनी का जो पैनाविन नाम से एविल आता है वह भी लगा सकते हैं, नहीं तो यह जो एलएमबी कंपनी का जीट नाम से जो आता है यह इंजेक्शन लगा सकते हैं। किसी भी कंपनी का जो एविल होगा वह अगर बड़ा पशु है, 4 क्विंटल के करीब है, तो आप उसको 20 ml दीजिए। 20 ml से कम में काम नहीं करेगा, 20 ml देना है। अगर छोटा पशु है, 2 क्विंटल के करीब है, तो उसको 10 ml देना है। अगर उससे भी छोटा है तो उसको 5 ml देना है। किसान भाइयों, पहला इंजेक्शन यह इंजेक्शन देना है जो कि एलएमबी कंपनी का आता है जीट नाम से। उसके अलावा किसान भाइयों, आपको एक और इंजेक्शन लगा देना है, जो कि होता है क्या कि बिच्छू जब डंक करती हैं तो वहाँ पर पॉइजन जहर का भी अंश हो जाता है, 20 भी लग जाती है, तो उसके लिए आपको एक इंजेक्शन एट्रोपिन नाम से दे देना है। ऐसे हम जो जो दवाई बता रहे हैं बगल में उसका फोटो भी खींच के बता दिए हैं। यह एट्रोपिन बड़ा पशु है, 4 क्विंटल के करीब है, तो यह जो एट्रोपिन है उसको आप 20 ml दीजिए। छोटा पशु है, 2 क्विंटल के करीब, तो उसको 10 ml दे दीजिए। अगर उससे भी छोटा है, 1 क्विंटल के करीब है, तो यह एट्रोपिन जो है 5 ml दीजिए। किसान भाइयों, यह इंजेक्शन देने के बाद आपको जो है एक और इंजेक्शन दे देना है, जो जिस इंजेक्शन का नाम है मेनोलेक्स पावर, जो कि दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया इंजेक्शन है। यह जो मेनोलेक्स पावर है, 12 पशु है, 4 क्विंटल के करीब है, तो उसको आप 30 ml दीजिए। 15 ml गर्दन के इस भाग दे दीजिए और 15 ml गर्दन के इस भाग दे दीजिए। छोटा पशु है, 2 क्विंटल के करीब है, तो उसको जो है आप 15 ml दीजिए। उससे भी छोटा है, 1 क्विंटल के करीब है, तो 7 से 8 ml दीजिए। यह जो मेनोलेक्स पावर है इंजेक्शन है, यह इंटास कंपनी का आता है। किसान भाइयों, यह इंजेक्शन देने के बाद आप उसको एक एंटीबायोटिक भी लगा दीजिए, जैसे कि एंटीबायोटिक में सेफ्टेरियाजोन आप लगा सकते हैं, जो कि इस तरह से होता है, सेफ्टेरियाजोन जो कि सेफिस्टान नाम से आता है जाइडस कंपनी का। यह इसका जो साल्ट है सेफ्टेरियाजोन है, 4 क्विंटल के करीब है तो 4 ग्राम लगा दीजिए, 2 क्विंटल के करीब है तो 2 ग्राम लगा दीजिए, 1 क्विंटल के करीब है तो 1 ग्राम लगा दीजिए। यह जो सेफेस्टान है इसमें जो है डिस्टिल वाटर है, एक साइड जो है डिस्टिल वाटर और एक साइड पाउडर है। किसान भाइयों, यह जो डिस्टिल वाटर है इस पाउडर में मिला करके आपको अपने पशु को दे देना है। चलिए किसान भाई, एक डबल कर देते हैं। यह जो है एलएमबी कंपनी का जीट है, उसको 12 पशु है तो 20 ml देना है, 4 क्विंटल के करीब है तब। छोटा पशु है, 2 क्विंटल के करीब, तो 10 ml देना है। उससे भी छोटा है, 1 क्विंटल के करीब, तो 5 ml मांस में देना है।
उसके बाद दो नंबर में जो हम दवा बताए हैं एट्रोपिन, बड़ा पशु रहेगा 4 क्विंटल करीब रहेगा तो उसको जो है 20 ml दे देना है, छोटा पशु है 2 क्विंटल करीब तो उसको 10 ml दे देना है, उससे भी छोटे 1 क्विंटल करीब है तो उसको 5 ml देना है। किसान भाइयों यह दोनों इंजेक्शन देने के बाद यह एक और इंजेक्शन जो बताए हैं मेनोलेक्स पावर, जो कि इंटास कंपनी का आता है, बड़ा पशु है 4 क्विंटल करीब है तो 30 ml देना है, 15 ml गर्दन के इस भाग दे दीजिए और 15 ml गर्दन के इस भाग दे दीजिए, छोटा पशु है 2 क्विंटल करीब है तो 15 ml दीजिए, अगर उससे भी छोटे 1 क्विंटल करीब है तो 7 से 8 ml दीजिए। उसके अलावा किसान भाइयों एक एंटीबायोटिक के रूप में जो हम दवा बताए हैं सेफेस्टान नाम से, जो कि जाइडस कंपनी के आता है, साल्ट है इसका सेप्टेरिया जो 4 क्विंटल करीब है तो 4 ग्राम दीजिए, 2 क्विंटल करीब है तो 2 ग्राम, 3 क्विंटल करीब है तो 3 ग्राम या 1 क्विंटल करीब है तो 1 ग्राम। यह चारों इंजेक्शन अगर आप अपने पशु को देते हैं तो जो बिच्छू काट ली है उससे 3 से 4 घंटा के अंदर पशु को राहत मिल जाएगी। किसान भाइयों यह वीडियो हम आपको बताए हैं अगर बिच्छू काट लेती है तो क्या परेशानी आते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है, यह जो हम दवा बताए हैं आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे ज़रूर बताइए। नमस्कार।